दोस्तों, यज्ञोपवीत यानी जनेव। आज का व्यक्ति यज्ञोपवीत को जानता ही नहीं है, उसकी शक्ति का उन्हें अंदाजा ही नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ साधना की बेसिक चीज और सबसे पहली स्टेज है यज्ञोपवीत, तो आप क्या कहोगे? जनेव का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज मन में आती है वो है धागा। दूसरी चीज है ब्राह्मण। क्या सिर्फ ब्राह्मण से जनेव का संबंध है? और अगर ब्राह्मण से ही जनेव का संबंध है तो फिर ये जनेव पहनते ही क्यों है? क्या इसका कोई लाभ है? जनेव हिंदुओं की वो पहचान है जिसमें नीति का सारा सार जोड़ दिया गया है। जैसे किसी साधारण सी कागज पर अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान लिख दिया जाता है, उसी प्रकार सूत के इन नौ धागों में जीवन विकास का सारा मार्गदर्शन समाविष्ट कर दिया गया है। पर अब सवाल ये आता है कि क्या है ये जनेव? जनेव का असली अर्थ आखिर क्या है और कौन सा वो गहरा नाता है जनेव का हमारी हिंदू संस्कृति से? तो चलिए जानते हैं यज्ञोपवीत के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। उनमें है गर्भाधान, पुंसवन, सीमन, टोनन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। अब इन संस्कारों में अधिक महत्वपूर्ण है उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार। विवाह तो आप जानते ही है, उपनयन ही यज्ञोपवीत संस्कार है। उपनयन को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे जनेव, यज्ञ सूत्र, व्रतबंद, बलबंद, मोनीबंद और ब्रह्म सूत्र। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है सन्निकट ले जाना, यानी जो आपको उस परम सत्य के पास ले जाए जहां तक पहुंचने के लिए आप जन्मे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को अगर हम न देखें तो हर व्यक्ति सामान्य जन्म लेता है और फिर धीरे धीरे व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ता है। पर असली जीवन तो आपका तब शुरू होगा जब आप अपने लक्ष्य के बारे में जानेंगे, अध्यात्म को अच्छे से जानेंगे, परम सत्य को जानेंगे। और उन सभी चीजों के लिए आपको उपनिषद का ज्ञान होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों के बारे में पता होना चाहिए। पर शास्त्रों में बिना यज्ञोपवीत के वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। और अगर शास्त्रों के बारे में आपने नहीं जाना तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। एक और बात शास्त्रों में बताई गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही जनेऊ पहनने का अधिकार प्राप्त है। अब इसमें ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि शूद्र जन जनेव क्यों नहीं धारण कर सकते। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो शूद्रों का जनेव पहनना इसलिए मना किया गया है क्योंकि जनेव पहनने के नियम बहुत कठिन होते। जैसा मैंने आपको कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को अगर हम न देखें तो हर मनुष्य एक सामान्य होता है और उसमें स्वार्थपरता की प्रवृत्ति होती है। असल में ये मनुष्य जीवन है ही नहीं। जब आप आदर्शवादी और परम सत्य को जानते हैं तब आप असली मनुष्य जीवन में प्रवेश करते हैं। ऐसे देखें तो सारा संसार नरकशु से भरा पड़ा है और बिना यज्ञोपवीत के सत्य नहीं जान सकते हैं। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है, मातो रंगे धिजन्नम द्वितीयम मोजी बंधनम, यानी पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है और जब यज्ञोपवीत होता है तब आपका दूसरा जन्म होता है। और दूसरा जन्म जिसका होता है उसे ही कहते हैं द्विज। अब जरा ध्यान देना, यज्ञोपवीत जनेऊ में नौ धागे होते हैं। आपको दिखते केवल तीन ही है पर प्रत्येक धागों में तीन तीन धागे होते हैं। इसके बाद चार गांठ और एक ब्रह्मघाट होती है। सामवेद छंदों के सूत्र में लिखा गया है कि नौ धागों में नौ देवता निवास करते हैं। अग्नि, अनंत, चंद्र, पितृ, प्रजापति, वायु, सूर्य और सभी देवता का समूह जिन्हें विश्वदेव भी कहते हैं। इसके अलावा एक और बात कही गई है कि
ब्रह्मा जी ने तीन वेदों से तीन धागों का सूत्र बनाया। विष्णु जी ने ज्ञान, कर्म और उपासना से उसे तिगुना किया और शिव जी ने गायत्री से अभिमंत्रित कर उसमें ब्रह्म घाट लगाया। असल में जनेव की लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेव धारण करने वाले को 64 कला और 32 विद्या को सीखने का प्रयास करना चाहिए। जनेव का नियम है कि जनेव बाएं कंधे से दाएं कमर पर पहनना चाहिए। मल मूत्र विसर्जन के दौरान जनेव को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। ऐसा करने का मतलब ये है कि जनेव कमर से ऊंचा हो जाएगा और अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारे देवता निवास करते हैं। और अगर हम बात करें साइंटिफिक रीजन की, तो साफ है कि जनेव पहनने वाला व्यक्ति यह ध्यान रखता है कि मल मूत्र करने के बाद खुद को साफ करना है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। अब आगे समझो, शरीर में कुल 365 एनर्जी पॉइंट होते हैं और अलग अलग बीमारी में अलग अलग पॉइंट असर करते हैं। एक प्रेशर में हर पॉइंट को 2 से 3 मिनट दबाना होता है और जनेऊ से हम यही काम करते हैं। कान के पास की नसों को दबाते हैं, क्योंकि कान के नीचे वाले हिस्से एयर लूप की रोजाना 5 मिनट मसाज करने से याददाश्त बेहतर होती है। इसके अलावा इसके कुछ अन्य लाभ जो क्लिनिकली प्रमाणित है, जिसे जिसे बार बार बुरे सपने आते हैं, वो अगर जनेऊ धारण कर ले तो उसे ऐसे सपने नहीं आते। इसके अलावा कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति में जनेऊ का क्या महत्व है। उपनयन यानी ज्ञान के नेत्रों का प्राप्त होना, यज्ञोपवित यानी यज्ञ हवन करने का अधिकार प्राप्त होना। जनेऊ धारण करने से पूर्व जन्मों के बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, आयु बल बुद्धि में वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनेऊ के तीन धागों में 9 लड़ होती है, इससे 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण बालक को 9 वर्ष से 18 वर्ष, क्षत्रिय बालक को 11 वर्ष से 20 वर्ष और वैश्य बालक को 13 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में यज्ञोपवित संस्कार करवा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप विवाह के पूर्व यज्ञोपवित जरूर धारण कर लीजिएगा। जो यज्ञोपवित धारण करता है उन्हें प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का सूतक अगर आपको लग जाए तो सूतक खत्म होते ही जनेऊ को बदलना होता है। इस संसार की अति महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है संध्या। वैसे संध्या त्रिकाली होती है, प्रातकाल, मध्यान्ह काल और सायंकाल, और अगर व्यक्ति त्रिकाली संध्या नहीं कर पाता तो कम से कम एक काल तो संध्या जरूर करनी चाहिए। अगर आप सच में संध्या के बारे में जानना चाहते हैं, संध्या की विधि जानना चाहते हैं, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम आपके लिए त्रिकाल संध्या की एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।